परेशान क्यों हो गए? मैं क्यों परेशान हूं? आसिम, तुम मेरी खाला के इकलौते बेटे हो। खाला के नहीं बल्कि मेरी अम्मी के भी बहुत लाडले हो तुम। हाँ बिल्कुल। एक और रिश्ता भी है हमारे दरमियान, वो याद है ना तुम्हें? तुम मेरे होने वाले बहनोई भी हो। हाँ लेकिन ये रिश्ता याद कराने की जरूरत तो नहीं थी अकेले। आसिम, मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था। तुम और वो एक रेस्टोरेंट में एक साथ थे। यार वो मेरी कुलीग थी, उसने ट्रीट दी तो मैं चला गया उसके साथ। बात सिर्फ इतनी सी है ना? हाँ कि मेरा भी यही अंदाजा था। मुझे पता था कि तुम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। अब ये मत समझना कि मैं तुम पे शक कर रहा था। अरे नहीं। अच्छा मुझे एक काम जाना है, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अम्मी तुम्हारे लिए चाय बना रही है, आप पी कर जाओ। अच्छा ये बताओ, जॉब का कुछ बना? हाँ बस चल रहा है यार। तुम बताओ तुम्हारा काम शाम कैसा जा रहा है? क्या कर रहे हो? असाइनमेंट रेडी कर रहा हूँ। तुम्हारे मामू का फोन आया था आज। अच्छा क्या कह रहे थे वो, कैसे हैं? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी फिक्र है उनकी, नाराज हैं तुमसे। कह रहे थे नूरियान को तो इतनी तौफीक भी नहीं होती कि कभी फोन करके मामू का हाल ही पूछ ले। हाँ वैसे कह तो ठीक ही रहे थे, मैं आज ही कॉल करूंगा उन्हें। भाई वो बहुत इसरार कर रहे हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ जाऊं, सब बहुत याद कर रहे हैं। याद तो आप भी बहुत करती हैं उन्हें, तो चली जाएं चंद दिन के लिए। कैसे चली जाऊं? अम्मी बस भी कर दें, आपने आतिफ भाई के अम्मी अबू से ये जरूर वादा किया था कि आप आतिफ भाई का ख्याल रखेंगी, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि चंद दिन के लिए आतिफ भाई को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती आप। घर बस जाता ना आतिफ साहब का तो मैं बेफिक्र होके चली जाती। उन्हें क्या जरूरत है घर बसाने की, वो तो याशी कह रहे हैं बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जब घर ना बसा हो और इंसान हर फिक्र से आजाद हो जाए तो वो अपनी जिंदगी को नहीं अपनी बर्बादी को एंजॉय कर रहा होता है। अरे ठीक है मुझे क्यों सुना रही हैं आप, मैं तो आपके एक हुक्म पे फौरन शादी कर लूं। पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। वो आतिफ भाई कह रहे थे एक दफा मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए ना तो वो किसी अच्छी सी जगह पे मेरी जॉब दिलवा देंगे। अगर आतिफ भाई ने ही जॉब दिलवानी है तो तुम्हारे इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ भला? हमें जॉब से डिग्री से थोड़ी ना मिलती है, और आतिफ भाई के इतने ताल्लुकात है। अच्छा है ना वो जॉब दिलवा देंगे, बगैर धक्के खाए जॉब मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे मामू से कहा था नूरियान भी आएगा आपसे मिलने। मैं खुश हो जाएंगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, मैं ना आते भाई से गाड़ी ले लूंगा और हम दोनों चलेंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए किसी से गाड़ी मांगने की, बसें चल रही हैं बहुत। मुझे जब जाना होगा बस पकड़ूंगी चली जाऊंगी, और तुम भी ऐसे ही जाओगे मेरे साथ, समझे? गाड़ी मांग लूंगा। क्या बात करनी थी अकील ने? कोई खास बात नहीं थी अम्मी, आप परेशान ना हो। खास बात तो थी आसिम, वहम हो गया था उसे। वहम? किस बात पर वहम था? अम्मी एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मेरी कोलीग है, वो मुझे ऑफिस के साथ वाले रेस्टोरेंट पर लंच पर ले गई, तो अकील ने मुझे वहां पे दी। खुद तो सारा नवारा गर्दी करता फिरता है और तुम पे शक कर रहा है। कोई बात नहीं,
कैसे कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी जायदा से, उसको शर्म नहीं आई तुमसे ऐसी बात करते हुए। खुदा के लिए अम्मी, अब आप खाला से बात ना करना, वरना उन्हें भी इतना ही बुरा लगेगा जैसे आपको लगा। तुमने वाकई अकील की बात का पुरा नहीं माना? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। नहीं, मुझ पर शक करने का मतलब है उसे मलका की फिक्र है, और मलका का मुस्तकबिल मुझसे जुड़ा है, और वैसे भी खाला हर वक्त यही तो सोचती है कि अकील को अपने घर वालों की फिक्र नहीं। लेना सैलेड। क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। मैं तो तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। अकील, प्लीज मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो मुझे। इट्स ओके। मैं ना कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि तुमने जो कुछ भी कहा ना मेरी मोहब्बत में कहा, मुझे हर्ट करने के लिए नहीं। I promise, मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। सुहाग, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना आगे निकल चुका हूँ, इतना आगे कि शायद हम दोनों के बीच जो लास्ट का डिफरेंस है ना वो भी भूल चुका हूँ। भूल गया था कि तुम जैसे लोग ना चंद नोटों की इवज मेरी मोहब्बत खरीद सकते हो। प्लीज बस कर दो, और कितना गिराओगे मुझे मेरी नजरों में? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना तड़पाऊं इन दिनों में, जिसे मैंने इतना चाहा उसी ने मेरी गैरत को इतना गैर अहम समझा। रियली सॉरी, रियली। ठीक है, मैं कल आऊंगा तुम्हारे पास, एंड वी विल स्पेंड होल डे टुगेदर। आई एम वेटिंग। बाय बाय। वैसे भाई की बाइक कितनी अच्छी है ना, कल उन्होंने मुझे चक्कर भी दिलवाया। माले मुफ्त पर घूमा फिरा जा रहा है, मगर घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। यही अगर मेरे किसी दोस्त ने कोई चीज दे दी होती और मैं घर ले आती तो पूरा घर सर पे उठा लिया होता आप लोगों ने। मगर बात अकील की है ना, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने अकील की किसी बात को भी नहीं सराहा। तुम दोनों बहन भाई अपनी मनमानी करते फिरते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये मोटर बाइक कहाँ से आई है। जिनसे वो रात रात भर फोनों पे बातें करता है ना, ये उन्हीं की मेहरबानी है। देखा देखा, सारी हकीकत पता है इनको, फिर भी कुछ नहीं कह रही उसे। यही फर्क है एक बेटी और बेटे में। कहने को मैं अकील को बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कहती हूँ कि घर का माहौल खराब होगा। मुन्नी, जाओ खाना लेकर आओ। जी भाई। अकील, तुमने शकील के गेट के सामने अपनी मोटर बाइक खड़ी कर दी। सुबह को उसकी माँ आई थी शिकायत लगाने कि हमें आने जाने में मसला होता है। ख्याल रखो मोहल्ले वालों का। ये सब ना जलते बुनते, ऐसी बाइक कभी इन्होंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी होनी, ना इन मोहल्ले वालों ने और ना ही हमारे खानदान में किसी ने। हाँ, उनके तुम्हारे जैसे दोस्त जो नहीं है। तुम तो चुप करो, क्या सुबह सुबह बोलने लग गई हो? जाओ जाके मुन्नी की हेल्प करो किचन में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जब हम वापस आए थे तो आप सीट पर नहीं थे, पता चला फारूक साहब के साथ मीटिंग में है। वो एक्चुअली परचेज डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज हो गए थे तो इसी वजह से उनके साथ था। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या किया मैंने? ओह अच्छा, वो एक्चुअली क्या था, मुझे कॉल आ गई तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं वो बात नहीं कर रही, ट्रीट मेरी तरफ से थी तो बिल भी मेरी तरफ से ही होना चाहिए था। एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपसे ट्रीट लूं। फिर इससे बेहतर था कि आप इनकार कर देते। तो मैंने तो आपको मना किया था लेकिन आपने इंसिस्ट किया। मालिका तुम घर जाके फोन क्यों ऑफ कर देती हो? इतना दिल चाहता है बात करने का। यहाँ पे बात हो जाती है ना, काफी है। अगर घर पे किसी ने तुमसे बात करते हुए देख लिया तो फिर यहाँ पे भी बात नहीं हो पाएगी बच्चों। वैसे तुम्हारे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव है, मेरा मतलब इतनी पाबंदियाँ, शायद उन्हें अपनी बेटी के ख्वाबों का भी पता नहीं है। तुम नहीं जानते यूनिवर्सिटी के लिए भी कितनी मुश्किल से मनाया मैंने उन लोगों को। वैसे मेरे पास चले ना तो तुम्हें इस जेल से अभी रह दिला दूं। अगर तुम भी बेबस हो तो मेरी रिहाई तो नामुमकिन है। अच्छा एक काम करते हैं ना, फाइनेंस के बाद में अम्मी को तुम्हारे घर ले आऊंगा और जॉब बाद में ढूंढ लूंगा। तुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें जॉब करने का इतना शौक क्यों है? भाई जब अपना बिजनेस है तो उसको एस्टैब्लिश क्यों नहीं करते हो? सही कह रही हो तुम। किस पे आए हो आज? माइक पर। क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया तुम। अरे बताओ ना, कहीं जाना है बाहर तो कल मैं गाड़ी पे आ जाऊंगा। दिल तो चाहता है तुम्हारे साथ कहीं बहुत दूर चली जाऊं, हर फिक्र से आजाद होकर। घर तक तो छोड़ने देती नहीं हो तुम, मैंने तो इसीलिए गाड़ी लाना भी छोड़ दिया। तुम जानते हो ना मेरी मजबूरी को नूरियान। अच्छा बताओ कल गाड़ी ले आऊं, कहीं बाहर चलेंगे और बाद में तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा। अपने घर लेके चलोगे? हाँ मगर एक शर्त पर, तुम घर जाओगी या मैं अम्मी को कहूंगा कि आपकी बहू आ गई है, अब इसे यहीं पे रख ले, कहीं जाने ना दे। ऐसा कहोगे ना तो मेरे साथ तुम्हें भी कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी। वैसे मैं सोचती हूँ कि आंटी को मुझसे मिलकर कैसा लगेगा, पता नहीं शायद उनको बुरा ना लगे कि उनकी होने वाली बहू इतनी आजाद ख्याल है। वैसे जिस क्लास से तुम हो उसमें तो ये बातें बुरी नहीं मानी जाती। हाँ क्लास 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 बस कर दो, कब तक ही कहती रहोगी, ये कॉम्प्लेक्स खत्म कर दो। सॉरी ना। अच्छा बताओ हम कल कहाँ जा रहे हैं? चाइनीज रेस्टोरेंट, माय फेवरेट। अब ये कल कब आएगी? मैंने आपको कितनी ब्रीफ दी थी, क्लाइंट ने जो कहा था वो भी सब बता दिया था। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें ब्रांड एम्बेसडर के लिए किस तरह का चेहरा चाहिए। अब आप खुद बताएं इनमें से कोई भी एक फेस ऐसा है जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन सके? नहीं है ना। देखिए एक्टिंग का शौक हर एक को होता है। अब आप लोगों को मेरे साथ काम करते हुए इतना अरसा हो गया, ये आइडिया तो आपको हो जाना चाहिए कि हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। फिर भी आप लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया और ये फजूल सारी एक्सरसाइज गई आपकी। उसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दाखला ले लिया, मुझसे कहती हूँ वो चाय बना दे। अरे नहीं खाला प्लीज उसको पढ़ने दे। वैसे भी ज़ाहिदा चाय का बिल्कुल मूड नहीं, आसिम बता रहा था मुन्नी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हाँ माशाल्लाह मेहनत तो बहुत कर रही है, अल्लाह उसे कामयाब करे। खाला मुझे तो यकीन है कि वो इस दफा भी पोजीशन लेगी और मैं तो उसका फौरन एग्जाम्स के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ अकेले कहीं कोशिश की नौकरी की? तुमसे क्या छुपाना, उसके मिजाज ही नहीं मिलते छोटी मोटी नौकरी करने से। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना, आखिरकार अकलौता बेटा है घर का, उसकी जिम्मेदारी है सबकी। सब तुम्हारे बेटे की तरह थोड़ी है,
जिम्मेदार। बस तुम्हारी दुआ चाहिए, ये भी तुम्हारा ही बेटा है। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, नीचे मोटर बाइक खड़ी थी, अकेले कब खड़ी थी? वो नहीं नहीं, वो उसके दोस्त की है। अच्छा खाला, अकील कहाँ है? हाँ बेटा, अभी नाश्ता करके कमरे में गया है, दिन चढ़े तो उसकी सुबह होती है। मैं उसे मिलकर आता हूँ। कहना कि खाला आई हुई हैं, आके सलाम कर लो, या खाला खुद आए कमरे में। जी। बड़ा परेशान किया इस लड़के ने मुझे। साहिदा एक बात तो बताओ, जब इसकी दोस्ती इतने बड़े बड़े लोगों से है तो ये उनसे क्यों नहीं कहता कि वो उसके लिए कोशिश करे? दोस्तों से कहते हुए उसकी गैरत आड़े आ जाती है। वैसे जोहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे हम दोनों लाहौर का चक्कर लगाएं। वहाँ पे काफ़ी सारे मामलात हैं जो मुझे खुद जाके सेटल करने होंगे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं भी अहमद साहब को खुद मिलना चाहती हूँ। तो क्या कहती हो फिर, कमिंग सैटरडे का टिकट्स करा लूँ? जस्ट गिव मी अ डे, कुछ यहाँ पे मामलात हैं, मैं उनको सेटल कर लूँ, मैं कल तक बताती हूँ तुम्हें। बाय द वे, कल हसन से कहो देर तक बातें करती रही हो तुम, अगर मामला सीरियस है तो बात आगे चलाओ। आर यू क्रेजी? मेरे लिए वो लूजर ही रह गया है, तुम तो उसकी बातें नहीं सुनी, ही सो नेगेटिव। अच्छा तो नेगेटिव है, लूजर है, फिर भी तुम रात देर तक उससे बातचीत करती रही हो? मेरे घर में मेरा मेहमान था, ऑब्वियसली आई वाज जस्ट बीइंग अ गुड होस्ट। सब समझ रहा हूँ। वैसे बाय द वे, उसने तुम्हें बताया दूसरी बीवी को क्यों छोड़ा उसने? उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा है, वो खुद भागी है अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम के साथ। What? Oh my God. वैसे hats off to her. है? उस पागल को इतनी देर बर्दाश्त तो किया उसने। वैसे अल्लाह जाने तेरी क्या मजबूरी होगी जो उसने ये कदम उठाया। अरे कोई मजबूरी वजबूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी और खुशी से भागी है, और ये लूजर सबको कहता फिरता है। So what? हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं थी। और तुम अपनी कजन को उसकी तीसरी बीवी बनाना चाह रहे हो? क्रेजी। He's a character, I tell you. Yes. कहीं जा रहे हो तुम? हाँ यार, जा तो रहा हूँ। यार कहाँ गायब रहते हो यार, कुछ हमें भी तो पता चले। आसिम, तू ना बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान है, तू नहीं समझेगा। अकील, खाला तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती। मालूम है मुझे, लेकिन उनकी परेशानियों का हल नहीं है मेरे पास। अगर कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अकील, अगर कोई बड़ी मुलाजमत ना सही तो तब तक कोई आम सी मुलाजमत ही सही। क्या मतलब है तेरा? सेल्समैन की जॉब शुरू कर दूँ, कहीं चौकीदारी शुरू कर दूँ, या किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना शुरू कर दूँ? यार तू इतना नेगेटिव क्यों है? अरे यार, जब सुबह शाम लोग ताने देते हैं ना और समझाने के लिए बैठा लेते हैं तो ये नेगेटिविटी आ जाती है आसिम। अकील, मैं हर कोई नहीं है, मैं तेरे भाई की तरह हूँ। यार मैं जानता हूँ आसिम, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग हर रोज बाहर मिलते हैं ना, जानते हैं मिलने के बाद सिर्फ एक बात करते हैं, कोई काम धंधा कब करोगे? अकील, वो तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हारे अब्बा क्या करते थे, तुम्हारी अम्मा क्या करती, खाला कितनी मेहनत करती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हमदर्दी है, हमदर्दी नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं। दोबारा जितने लोग हैं ना, इन सबको बहाना चाहिए बातें करने का। अच्छा सुन, जहाँ मैं जॉब करता हूँ अगर तुम कहो तो वहाँ बात करूँ? हाँ कर लेना, अगर जॉब अच्छी होगी तो मैं कर लूँगा। ठीक है चल, मैं निकलता हूँ। आई एम सॉरी जोहा, तुम मेरी वजह से इतना डिस्टर्ब रही। इस बार सजा जरा लंबी कर दी तुमने, शायद मेरी अपनी गलती थी। अरे नहीं, जिससे मोहब्बत की जाती है ना उन्हें सजा नहीं दी जाती। कितना यूनिक रिश्ता है ना हमारा, ना पास रह सकते हो ना दूर। क्या मतलब है पास क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या?
बोलो। मैं तुम्हारे जिम आई थी, तुम्हें बुरा लगा था। हाँ, तो जानती हो क्यों? क्योंकि सब मुझे देख रहे थे। सिर्फ देख ही रहे थे, बल्कि मुझे तो डर था कि नजर लगा देंगे मुझे हमारी मोहब्बत को। मैं तुमसे ऐसा जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। सोहा, मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं मेरी जिंदगी में। शायद शायद यही वजह है कि मैं कभी कभी तुमसे हार्श हो जाता हूँ। प्लीज तुम माइंड मत करना। अकील, मैं तुम्हारे हर मुश्किल में तुम्हारे साथ, खुद को कभी तनहा मत समझना। थैंक यू। सोहा, वैसे मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे दोस्ती करने के लिए मरती हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके बारे में नहीं सोचता। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए बस एक ही काफी है, जो साथ निभाने वाली हूं, बस। I'm always with you, Akhil. ज़्यादा भाई, अब तो मैं अपनी अमानत घर लेकर जाना चाहती हूँ। नहीं सलमा, मैं भी रुखसत नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? मलका ने गैरों के घर में तो नहीं जाना, एक घर से निकलना दूसरे घर में दाखिल हो जाना, फिर फिक्र किस बात की तुम? फिर भी बेटी को कुछ तो देना होता ही है ना। तुमने सारी उम्र मेहनत करके अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा लिया, इससे बड़ी नेमत उनके लिए और क्या होगी? अकेली किसी काबिल होता तो शायद मेरी फिक्र कम हो जाती है। बस ज्यादा मैं बताई दे रही हूँ, मैंने जहेज में कुछ नहीं लेकर जाना। आसिम की तनख्वाह और मेरी कमेटी इतनी तो हो जाएगी कि उसके कमरे में नया फर्नीचर डलवा दूं। लेकिन अब बस कोई लेकिन वेकिन नहीं, चार कपड़ों में लेकर जाना है मुझे मलका। अच्छा, उसकी पढ़ाई तो मुकम्मल होने दो। वो भी होती रहेगी जब वो हमारे घर आएगी, मैंने कौन सी पाबंदी लगानी उस पर। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? तुम तो आती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही मिलाऊं। आती हूँ अभी। मैं आती हूँ सर। मलका, ये क्या पागलपन है? हर खाला बैठी हुई और तुम अंदर चली आई? वो जिस साजिश के तहत यहाँ आई है ना, अच्छी तरह से जानती हूँ। साजिश? तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। हाँ तो मेरे लिए तो साजिश ही है ना। शर्म करो। उन्हें जाके कह दे कि इस किस्से को हमेशा के लिए दफन कर दें। पूरी दुनिया में मेरी एक ही तो बहन है, तुम ये रिश्ता भी खत्म करवाना चाहती हो? और हम आपकी औलाद आके कुछ नहीं लगते? नहीं, कभी कभी तो मुझे यही लगता है। अम्मी, आप जाके खाला से कह दें कि। क्या कह दें मुझसे? कोई गलती होगी मुझसे? नहीं खाला। जाओ, मुन्नी अकेली किचन में काम कर रही है, जाके उसका हाथ बटाओ। क्या बात है जायदा, जो भी कह दो, मलका की माँ बनकर नहीं मेरी बहन बनकर। दरअसल मलका अभी शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन हो जाएगी राजी, बस थोड़ा सा वक्त दो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मलका, आप ही, मैं आसिम भाई से कह रही हूँ नान लेकर आ जाए, जब तक आप ये कबाब फ्राई कर दें। तुम भी यही हो? तुम नहीं आओगी तो मैं तो आऊंगा ही। मैं तो जल्दी आ गई थी यूनिवर्सिटी से। मैं यूनिवर्सिटी की नहीं, घर की बात कर। एक बात कहूं?
हाँ कहो। ये रोमांस करने की बहुत ही घटिया कोशिश थी। मलिका क्या तुमने कसम खा रखी कि हर बात पर मेरी इंसल्ट करोगी? अरे मैं तो सच बोलती हूँ, अगर तुम्हें इंसल्ट लगता है तो ठीक है, आइंदा से सच नहीं बोलूंगी। मुझे हमारी बाइक राइड फिर से याद आ गई, तुम तो मुझसे ज्यादा डर रहे थे। नहीं मैं नहीं डर रहा था, मुझे सिर्फ तुम्हारा डर था। तुम मेरे साथ पहली दफा बाइक पे बैठी हो, अगर गिर जाती कुछ हो जाता तो। और मुझे कोई डर ही नहीं था क्योंकि मैं जानती थी तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। हाँ मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारी केयर करता रहूंगा, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। डोंट वरी, वी विल बी टुगेदर फॉरएवर। बाय द वे फूड इज डिलीशियस, स्पेशली तुम्हारे लिए सारा ऑर्गेनिक मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, बिकॉज आई नो तुम्हें कितने हेल्थ कॉन्शियस हो। ओह सोहा, तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जस्ट अ सेकंड, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू मेक मी अ प्रॉमिस। जस्ट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम कभी खफा नहीं होगे मुझसे। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा मेरे साथ। ऐसा क्या किया है मैंने जिससे तुम नाराज हो? I'm just kidding, बाबा। I'm kidding. You better be. अच्छा, by the way, एक लास्ट गिफ्ट है, मेरा फेवरेट है, आई होप यू लाइक इट। खोलो। सुहाब, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी नहीं, प्लीज पहन कर दिखाओ। How does it look? This is so beautiful. Suits you. Thank you. You're most welcome. Thank you. Cheers. Cheers. मैं अच्छा जाने भी थे ना, खाला ने कहा तो है कि वो मलका को समझाएंगी। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ मलका के रवैये पे। इतना गुरूर, गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आसिम ना समझ है वो। ये कैसी ना समझी है कि रिश्तों का लिहाज ही नहीं रहा, दो घड़ी नहीं बैठी मेरे पास और ज़ाहिदा से साफ कह दिया कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती। नहीं पर ये तो मैंने भी आपको बताया था। मुझे तो लगता है उसने शादी ही नहीं करनी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए। वाह, ये कैसी तालीम मुकम्मल कर रही है वो कि बड़ों का अदब लिहाज ही नहीं रहा। अच्छा ना अम्मी, प्लीज अब जाने भी दें, छोड़ दें गुस्सा। अगर इन लोगों ने रिश्ता नहीं करना ना तो साफ कह दें, तुम्हारी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। भला मलका क्यों इनका? खैर अगर तुमने गाड़ी लेनी तुम ले लो, एक दो दिन में मेरी कमेटी निकल आएगी। मैंने कमेटी तुम्हारी शादी के लिए डाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी होने वाली। अस्सलाम वालेकुम आते भाई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं आते भाई, मैं बाद में खाना खाऊंगा। अरे बैठो ना, एक लगाएं प्लेट इसके लिए। क्या हो रहा है? बस कुछ खास नहीं, आप सुनाए कैसे दिन गुजरा? बस नूरियान, दिन तो अच्छा गुजरा। अरे बाजी मैंने बोला इससे बैठने के लिए, आप भी बैठे ना हमारे साथ खाना खाए। नहीं बेटा आप खाइए। सेमेस्टर कैसे जा रहा है? सेमेस्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है आतिफ भाई। आतिफ भाई एक छोटा सा काम था आपसे।
बोलो। वो कल आपकी छोटी वाली गाड़ी है ना, वो छाई गई थी। कहाँ जाना है? ज़्यादा दूर नहीं, हाईवे तक जाना है, दोस्तों के साथ प्लान था, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाऊँगा। मुझे तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी तो वैसे ही सारा दिन घर पर खड़ी रहती, बल्कि रोज ले जाया करो। भाई यू आर द बेस्ट। आई नो। पुलिस ले लो, बहुत अच्छा। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं आतिफ भाई के साथ खुद नहीं बैठा, उन्होंने कहा था कि बैठ जाओ और आप बैठ गए। अब आपको तो पता है मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता ना। कुछ झूठ बोलते हो तो अच्छी तरह जानती हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाने का, उनकी बराबरी करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते तो। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आतिफ भाई की बराबरी करना चाहता हूँ? मना किया था ना तुम्हें मैंने, आतिफ भाई से गाड़ी नहीं मांगनी। क्या जरूरत थी, उन्होंने बाइक लेके दी हुई है ना तुम्हें, काफी नहीं है? अम्मी गाड़ी की जरूरत थी ना कल। क्या जरूरत थी? वो आपकी होने वाली बहू को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना था। अरे मजाक कह रहा हूँ, दोस्तों के साथ जाना है। आप कहती है तो आज से वो फरहान से बात करवा दूँ आपकी। अब जाऊं? ये क्या कर रही हैं? ये सारा सामान तो आसिम भाई के दिए हुए तोहफे हैं ना, ये क्यों निकाल रही हैं? तुम क्या थानेदार की तरह मेरे सर पे आके खड़ी हो गई और हाथ दिए थे फेंक रही हूँ सब कुछ। मगर ये तो आपके पास इतने सालों से है और आसिम भाई के दिए हुए तोहफे हैं। सुनो मुन्नी, तुम्हारे आसिम भाई के दिए हुए तोहफों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इनमें और ना ही उसका जिक्र करने में। सब मैं स्टोर रूम में फेंक के आऊंगी। अम्मी। हाँ हाँ जाओ, जाके लगाओ मेरी शिकायत, भरो कान अम्मी के। सना, आसिम ने सॉरी बोला तुमसे? किस बात के लिए? तुम नाराज हो उससे? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ उससे। खुद ही तो तुम कह रही थी कि उसने बिल पे कर दिया, ट्रीट तुम्हारी थी एंड ऑल दैट। उस बात का शिकवा तो मैंने उससे कर दिया था ना। और उसे एहसास भी नहीं हुआ होगा ना कि तुम उससे नाराज हो। फिर वही बात फरा, मैं कह तो रही हूँ मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे बहुत अच्छी बात है सना, बंदे को उसी से नाराज होना चाहिए जिसका पता हो कि ये मना लेगा। उस बंदे के अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। यही तो खास बात है उसमें कि वो आजकल के लड़कों की तरह बोल्ड नहीं है। ओ कम ऑन सना, इतने गट्स तो होने चाहिए ना आदमी में कि उसको अपनी पसंदीदगी का एहसास तो हो। इस आदमी का दिल तो बिल्कुल पत्थर का है। क्या हो? कुछ नहीं, आपको नहीं पता कि सना आपसे नाराज है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी तो आदत है हर वक्त ज़ूम करने की। फाइल दो मुझे वहां से। अभी फाइल ला के दो मुझे। मलिका, नाश्ता कर लो बेटा, कल भी तुम छोड़कर चली गई थी। ऐसे रिस्क को छोड़कर नहीं जाते, बेअदबी होती है। अरे वाह मम्मी, आज तो बड़ा प्यार दिखा रही है, वो भी सुबह सुबह। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, इसीलिए आसिम के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। मैं जानती हूँ हर एक इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ये बात मैं अपने यकीन से कह सकती हूँ, मैं अपनी उम्र और अकल के हिसाब से, कि तुम आसिम के साथ खुश रहोगी। वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात, तुम्हारे ख्वाब पूरे करेगा, मेरा यकीन करो बेटा। अम्मी, कभी कभी उम्र और अकल दोनों ही साथ नहीं देते।
और आसिम के मामले में मुझे ऐसा ही महसूस होता है। इतनी दुनिया तो मैंने भी देख ली है। खैर मैं जा रही हूँ और आज लेट आऊंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा ठीक है, नाश्ता पूरा खत्म करके जाना, बीच में नहीं छोड़ के जाना। मारिका, तुम्हारे साथ वक्त का पता नहीं चलता, इतनी तेजी से गुजर जाता है। वक्त अपनी रफ्तार से ही चलता है सर। लेकिन मेरा दिल तो चाहता है कि इस वक्त को यहीं रोक दूं, यहीं फ्रीज कर दूं मैं। तो मुझे आंटी से मिलवाने ले जा रहे हो ना? अम्मी से? हाँ, घर जा रहे ना? हाँ, मैंने अम्मी से बात की थी, वो कह रही थी कि वो तुमसे मिलने के लिए खुद तुम्हारे घर आएंगे। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनसे मिलने के लिए घर आओ। तुमने अम्मी को मेरे बारे में बता दिया? सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि आज उनकी बहू के साथ एक रोमांटिक डेट पे जा रहा हूँ मैं। क्या क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि उनके होने वाली बहू यूनिवर्सिटी के बहाने उनके बेटे के साथ डेटे मारती फिर रही है? मालिका, मोहब्बत ना इंसान को बागी बना देती है। अच्छा बताओ ना, मैं अम्मी को कब लेके तुम्हारे घर आऊँ? अभी नहीं नूरियान, पहले मुझे अपनी अम्मी को मनाने तो दो। मालिका तुम एक काम करो, तुम मुझे और मेरी अम्मी को ना अपने घर आने दो, हम दोनों खुद आके तुम्हारे घर वालों को मना लेंगे। बिल्कुल नहीं नूरियान, मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की तरह आसान नहीं है, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उनको मनाने के लिए। तो कोशिश तो करो ना मालिका। हाँ लेकिन डर लगता है मुझे कि कहीं वो मुझ पर पाबंदी ना लगा दे यूनिवर्सिटी आने जाने पर। कम ऑन मालिका, ऐसे कुछ नहीं होगा, हिम्मत तो करो तुम। ये तुम दोनों बहन भाइयों के तेवर ना किसी दिन मुझे जलील करवा के छोड़ेंगे। अम्मी कभी खुश नहीं होती हैं, इतनी अच्छी बाइक है, इंसान दुआ देता है कि बंदा और तरक्की करे, लेकिन आप हैं क्या, बातों पे बातें सुनाई जा रही हैं। और तरक्की करे क्या मतलब है, और नए दोस्त, नई मुसीबतें। अम्मी खाला की कॉल आ रही है। हेलो जी। तुम क्या मेरे सर पे आके खड़ी होगी, जाओ। आपके फोन बज रहा था, किसी जोहा की कॉल आई थी। कितनी दफा तुम्हें मना किया कि मेरे फोन में मत घुसा करो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता, जब बज रहा होता है ना तो बजने दिया करो, जाओ यहां से। अगर नूरियान इस लड़की को अच्छी तरह जानता है तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला?